एक क्वेश्चन आपके पास, अब जैसे कि आप भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अब एग्ज़ाम देंगे तो उसका दो ही रिजल्ट होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो पास हो गया तो कोई पूछे नहीं भी नहीं आया कि क्यों पास हो गया, कैसे हो गया, आपके पास ही फुर्सत नहीं बताने के लिए। लेकिन क्या होता है कि आप अपने आप में सोचिए कि आखिरकार कि क्यों नहीं रिजल्ट आ पाती है कुछ स्टूडेंट का। जैसे कि हम भी देखे हैं अपने आसपास का, वो लड़का मतलब बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा लिखता है, उसका तैयारी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो रिजल्ट नहीं आ पाने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कारण तो वो लड़का खुद नहीं बताएगा, लेकिन उसको जो ऑब्जर्व किया है हम आपको बताते हैं। जैसे कि क्यों नहीं रिजल्ट आ पाती है कुछ स्टूडेंट का, जैसे कि नंबर वन जो है तैयारी। अब देखिए आपकी तैयारी अच्छी है, तैयारी आपकी 100% है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा लुसेंट, आरएस अग्रवाल या फिर जितने भी रुकमणी हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, उपकार पब्लिकेशन, जितने किताब है वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, तैयारी वो 100% कर लिया है, सब कुछ पढ़ के वो बैठ गया है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ पाता, इसमें क्या कारण है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, विराट कोहली, हमारे क्रिकेटर विराट कोहली। अब जैसे कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, एक से एक शतक मारा, एक से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भारत का अगला सचिन तेंदुलकर वही है, सचिन से भी ऊपर मतलब आगे जाएगा, लेकिन कभी विराट कोहली को 0 रन पे आउट होते हुए देखें? 0 रन पे आउट हो सकता है क्या? हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि उसका तैयारी तो 100%, लेकिन वो 0 रन पे भी आउट हो जाता है, 2 रन बना के भी आउट हो जाता है, 10 बॉल खेल के 2 रन बना के आउट हो जाता है, पिछला मैच में IPL में ऐसा हुआ। तो आखिर वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे तो वो फेल हो गया। सोचिए कि वो अगर उसके ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता वो मैच, तो वहाँ पे तो वो फेल हो गया, जबकि उसको फेल नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसकी तैयारी 100% थी। तो ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि हमारी तैयारी तो 100% है, लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं हमको टेंशन हो जाता है। अब एग्ज़ाम के अंदर में हमको टाइम के अंदर बढ़ाना होता है। अब देखिए एग्ज़ाम में हमको 90 मिनट का समय दिया है, और इसी 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है ना। तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन इस तैयारी को अच्छा करने के लिए, रिजल्ट में बदलने के लिए आपके पास कुछ और चीज़ होना चाहिए। आपके पास तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उस तैयारी को रिजल्ट में बदलने के लिए आपके पास कुछ और चीज़ होनी चाहिए। अब वो कुछ और चीज़ क्या है? तैयारी 100% है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट, कभी सुने होंगे टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, शहर में कोई देखते हैं गांव का बच्चा निकलता है, बोले पापा हमको जाना शहर पढ़ने के लिए, तो लो बाबू पैसा लो, 5,000-10,000 महीना देता है उसको, शहर में गया, एक रूम खोजा, कोचिंग पकड़ लिया, और वो क्या हुआ कि अब देखिए उसका टाइम टेबल किस तरह होता है। वो सुबह में उठता है 8 बजे उठता है, मुँह कान धोता है, उसको खाना बनाते बनाते बज जाते हैं 11, फिर उसको नहा सुना के तैयार होकर के 12 बजे जाता है कोचिंग, और कोचिंग से आता है वापस 4 बजे, ठीक है, उसका फिर थक जाता है, फिर जाता है सो जाता है, सोने के बाद उसको फिर से शाम में भूख लगती है, 3-4 घंटा फिर खाना बनाने में लग जाता है, फिर सो जाता है, ना कोचिंग का ज़्यादा रिवाइज कर पाता ना कुछ। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है? उसके पास तो समय है 24 घंटा का, वो क्या अपने समय का जो है ना ठीक से वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वही बात है, एक है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 90 मिनट का जो समय मिलता है ना एग्ज़ाम में, 90 मिनट के समय और 100 क्वेश्चन होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन को 90 मिनट बनाना होता है, ये 90 और 100 की लड़ाई होती है एक तरह से बोल दिया, और इस लड़ाई में टाइम अक्सर जीत जाता है, क्वेश्चन नहीं जीत पाता है। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट, तैयारी उसका 100% है समझ लीजिए, इसी बात का उसको घमंड है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तो वो 100 क्वेश्चन वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, 70-75-85 पे रह जाएगा। तो अगर तैयारी कम भी हो और टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा सीख जाएंगे तो हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या होता है हमारा? क्वेश्चन आसान पूछे चाहे भारी पूछे, हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को क्या करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है।
तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट का एक अलग ही क्लास है, पूरा एक या दो घंटा के अंदर आपको समझाएंगे बाद में। फिलहाल हम इस पर चर्चा करें, क्यों नहीं रिजल्ट आ पाता है कुछ स्टूडेंट का, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता सही से। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद है टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट में जैसे कि उसको बोला कि आधार कार्ड लेके आना, लेके नहीं गया तो उसको एग्जाम देने देगा, नहीं देने देगा, बोला वहाँ पर राइट थंब लगाइए, वो लेफ्ट थंब लगा दिया, तो उसका तो ऐसे ही बेकार चल गया। तो टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नहीं करना है, सही से बनाना है। और टाइम मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को अब देखिए, एक बहुत बड़ी क्या गलती करता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर उसको दो है, क्वेश्चन नंबर दो है, परसेंटेज चैप्टर क्वेश्चन है, परसेंट चैप्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, उस स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन बन जाएगा, हमसे बनाना शुरू करता है। अब इसी क्वेश्चन मान लिए वो 10 मिनट का समय लगा दिया, उसके बाद उसका रियल मतलब उसको आंसर आ भी गया, तो उसमें तो एक ही क्वेश्चन के लिए वो 10 मिनट का समय लगा दिया, टाइम मैनेजमेंट हुआ इसका नहीं हुआ। तो तैयारी अच्छी रहने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए, तीनों टी से शुरू हो रही है, टाइम मैनेजमेंट, टेक्निकल फॉल्ट और टेंशन। टेंशन मतलब दबाव, हम जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। वो कैसे, हमारी तैयारी अच्छी रहती है फिर भी प्रेशर महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि जब जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, हो सकता है हमारा वो पहला एग्ज़ाम हो, तो इस वजह से प्रेशर आती है कि कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जितने स्टूडेंट का भीड़ होता है एग्ज़ाम सेंटर में, तो उसमें भीड़ को देख करके टेंशन आती है, अरे यार हम तो यार अभी तो 18 साल का है, 20 साल का है, ये लोग तो हमसे बहुत बड़े बड़े भैया आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इनका हुआ कि मेरा होगा। बस वही बात है ना, आप सोचिए कि इसका हुआ कि मेरा होगा, आपको पता नहीं वो किसके यहाँ कितना तैयारी नहीं है, इस बात से टेंशन रहती है। या जब बहुत बार आप जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, तो देखिए जिधर देखिए उधर विद्यार्थी जो है मोबाइल का लाइट जला के पढ़ रहा है। अब सोचिए कि यार ये सब इतना पढ़ाकू है, एग्ज़ाम सेंटर में आकर भी पढ़ाई कर रहा है, लगता है कि मेरा तैयारी नहीं है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि रियलिटी वो होता है कि वो सब कभी पढ़ता लिखता नहीं है। और एग्ज़ाम के समय में जाकर के पढ़ना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे मतलब कूल रहना होता है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना पड़ता है। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपको आ जाएगा वहाँ से उस पढ़ा हुआ में, लेकिन दो चार क्वेश्चन कन्फ्यूज होकर भूल जाएगा, तब की आप ही लॉस है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं होने चाहिए। तो आप ये हॉस्टल में आपको हम सब कुछ समझा देंगे, एग्जाम तक बिल्कुल आपको कर देंगे। तो आपको मेन रूप से क्या है, आपकी तैयारी चाहे कितना भी रहे, 60% तैयारी कहीं नहीं रहे आपका, ठीक है, आपको क्या करना है, हमको कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना है। चलो यार 60 मिनट इतना क्वेश्चन है, 60 तो कम से कम बना ही देंगे, बच गया 40, उसको भी दिमाग लगा के 10-15 को निकाल देंगे। ये वो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग। अगर नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी तो 60 हमारी तैयारी है, हम इसको 55-50-45 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पॉजिटिव है इसको 75-80 में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग कब आएगी, जब हम लोग हमारी तैयारी सच में अच्छी होगी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, किसी को देख करके कि हमको क्यों समझेगा कि उसका होगा कि मेरा होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो बस आप पेपर को, बस कुल मिला के हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, एक शाहरुख खान की फिल्म थी चक दे इंडिया, ठीक है, चक दे इंडिया फिल्म देखे, शाहरुख खान की फिल्म थी वो, उसमें वो हॉकी का कोच रहता है, मतलब हॉकी जो लड़की लोग टीम रहती है उसका वो कोच रहता है। और एक मैच आता है उसका, उस शाहरुख खान की टीम का किसी दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ में, तो वो क्या बोलते हैं शाहरुख खान, हॉकी का जो मैच होता है वो 68 मिनट का होता है, 68 मिनट का, कभी कभी 70 मिनट का होता है। तो वो शाहरुख खान अपने जो स्टूडेंट थे या फिर उस खिलाड़ी जिसको कि वो कोचिंग दे रहे थे, उसको बोले कि आपके पास, आपने कितना तैयारी किया नहीं किया वो सब भूल जाइए, आपके पास है 70 मिनट का समय है अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, आप अपना बेस्ट कर जाइए। तो वही बात होती है, हम एग्ज़ाम में जाते हैं, हमारे पास 90 मिनट का समय होता है और 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा टीम ए के साथ क्रिकेट हमको खेलना है, तो हमारा ऑपोजिट में कौन है, टीम बी है, और हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे पास 90 मिनट का समय है और ऑपोजिट में कौन है, 100 क्वेश्चन है,
किसी ना किसी के खिलाफ तो हमको परफॉर्मेंस करनी है, चाहे टीम बी के खिलाफ परफॉर्मेंस कर लिए या फिर 100 क्वेश्चन के खिलाफ, हमको इसके खिलाफ परफॉर्म, और इसके लिए हमें हमारे पास है 90 मिनट का समय और इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का नॉलेज, इतने सारे टीचर का हमारे ऊपर आशीर्वाद, ज्ञान, जो भी बोल सकते हैं, तैयारी, ये सब चीज़ें। तो फुल एंड फाइनल मुझे क्या करना है, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको फुल फोकस कर पढ़ाई कर लेनी है और कोई भी चीज़ से घबराना नहीं। हमारा कम तैयारी तो क्या हुआ, हम इतना ही में निकालते हैं, 100 तैयारी जरूरी नहीं, हमको 60% जब रिजल्ट दे रहा है तो हमको 60% नंबर लाएंगे और रिजल्ट निकाल देंगे।